सो भाई देख सकते हो आप लोग एक सेटअप अपना पूरा तैयार है, ठीक है। सो ये अपना GoPro Hero 11, ये देखो आप लोग की स्पीड कितनी हो रही है, 60 पे है फिलहाल तो अभी। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखो कट ला मार दिया है, ये देखो। मैं क्या करता हूँ, मैं ना सिर्फ अपना ये वाला पोर्शन जो है इसको खोलता हूँ। बिगिनर हो तो ये बेस्ट माइक आप आग बंद करके ले सकते हो। बाकी तो हाँ जी, तो क्या हाल चल मेरे प्यारे भाई, तो भाई आप सभी का अपना भाई सुनील, आप सभी का अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक और ब्रांड न्यू फ्रेश एपिसोड के साथ। तो भाई आज की वीडियो का सीन कुछ ऐसा है भाई, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप, जो कि मेरे चैनल का वन मोस्ट डिमांडिंग वीडियो में से एक वीडियो था, ठीक है। सो मैं आपको अपना प्रॉपर लाइक मेरा जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है, लाइक कौन सा हेलमेट मैं यूज़ करता हूँ, कौन सा लाइक कैमरा यूज़ करता हूँ, कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, कौन सा लाइक सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा वन बाय वन स्टेप करके। भाई आज डेट है 29th of December 2023 और भाई टाइम हो गया है अभी के, मैं आपको बताता हूँ भाई देखो, 3:09 हो चुके हैं अभी, लोगों को दिखाते हैं हर एक चीज़ लाइक क्या से क्या सेटअप है, पूरा सेटअप आपको मैं दिखाऊंगा, लाइक हम कैसे अपना सेटअप बनाऊंगा मैं, देन उसके बाद लेकिन आपको मैं अपनी मोटर व्लॉगिंग भी करके दिखाऊंगा, लाइक कैसे उसमें आवाज़ आती है सारी चीज़। उसमें आपको दो तरीके की आवाज़ दिखाऊंगा, एक तो देखो मैं जो नॉर्मल डालता हूँ एडिट करके, लाइक थोड़ा नॉइस कैंसिलेशन कर देता हूँ, थोड़ा वॉल्यूम अप कर देता हूँ, और एक मैं आपको दिखाऊंगा जो नॉर्मल जो एक्चुअल आवाज़ है, ठीक है। सो विदाउट टाइम को फटाफट से आपको मैं सेटअप दिखाता हूँ और वीडियो शुरू करते हैं, चलो जी चलो। सो भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप, लाइक मैं कैसे अपना सेटअप बनाता हूँ, ठीक है। तो यार थोड़ा ना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बिकॉज मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब मेरी ना फ़ोन की जो क्वालिटी वो लाइक ठीक ठाक है, अच्छी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो भाई थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो यार कर लेना आप लोग एडजस्टमेंट। तो भाई सबसे पहले देखो आपको चाहिए हेलमेट, भाई हेलमेट कोई सा भी चलेगा यार, ऐसा नहीं कि आपको लाइक महंगा ही चाहिए या कैसा भी चाहिए, भाई जो आप पे हो आप उससे कर सकते हो, बट हाफ फेस ना हो, ठीक है, लाइक फुल फेस हेलमेट चाहिए आपको। ये मेरा वेगा का हेलमेट है, ये मैंने अराउंड 1600 या 1700 का लिया था, दो या डेढ़ साल पहले की बात है। सो भाई बहुत ही अच्छा हेलमेट है, बट ये कि इसमें एंटी फॉग नहीं है यार, इस बजट में एंटी फॉग मिलता भी नहीं है, तो ठीक है यार, लाइक बजट के हिसाब से तो बहुत अच्छा हेलमेट है। बाकी थोड़ा सा भाई बजट अच्छा बनाओगे तो एक्सिस के हेलमेट आते हैं यार, उससे भी अच्छा बनाओगे तो MT MS के, तो भाई यार देखो बजट तो जितना ज़्यादा रहेगा हेलमेट उतना अच्छा आता रहेगा, तो हेलमेट आपके पास जो हो आप उससे कर सकते हो। सेकंड थिंग ये देखो आप GoPro, भाई ऐसा नहीं कि आपको GoPro ही चाहिए, आप लाइक कोई भी एक्शन कैमरा ले सकते हो, लाइक SD कैमरा ले सकते हो, Insta360 आता है, लाइक बहुत तरीके भाई आज के डेट में एक्शन कैमरा आता है, आप कोई सा भी ले सकते हो। बट यार देखो अगर आपको अच्छे लेवल पे करना है, आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कि GoPro से ऊपर कुछ भी है, लेकिन कितने आते हैं मार्केट में, ठीक है डेली कोई ना कोई आता है, बट आई थिंक GoPro इज़ GoPro, GoPro से अच्छा कोई नहीं है। लेकिन ये मेरा GoPro Hero 11 है, ठीक है, GoPro Hero 11 ब्लैक, जो कि यार मैं बताता हूँ आपको उसके पीछे की कहानी। मैंने ये लिया था ब्रांड न्यू 2022 में अक्टूबर में, ठीक है, बट सीन का भाई ये मेरा थर्ड GoPro है, मैं थर्ड GoPro को है, या इससे पहले मेरे दोनों GoPro भाई ख़राब हो चुकी है, GoPro 11 थे दोनों ही ख़राब, वो दोनों अंडर वारंटी मुझे एक्सचेंज होकर लेने वाला मिला है। सो यार मैं GoPro से थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ, लाइक इतना बड़ा ब्रांड है, पूरे वर्ल्ड में चलता है GoPro का नाम, ठीक है। सो GoPro का भाई लोग कैमरा खरीदते हैं अपने एक्शन एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड वगैरह करने के लिए, मोटो व्लॉगिंग करने के लिए, उसके बाद आप मीडिया मोड, लाइक ऐसा नहीं आपको मीडिया मोड ही चाहिए भाई, आप यूलानजी का केस आता है, एक माइक अडेप्टर आता है, मैंने देखो सारी फोटो डाल दूंगा साइड में स्क्रीन, आप लोग चेक कर लेना, आप लोग भाई वो भी ले सकते हो, लाइक वो ना इससे अराउंड 2-2.5 हज़ार सस्ता मिलेगा आपको, आप वो ले सकते हो। बाकी आपको ये चाहिए आप ये ले सकते हो भाई, ये चाहिए बिकॉज यार जैसे कि भाई एप्पल वाले अपना चार्जर नहीं देते साथ में फ़ोन के साथ, सो भाई GoPro का भी सेम सिस्टम है, जब आपको बस GoPro थमा देंगे, बाकी इसकी भाई प्रॉपर एक्सेसरीज आपको बाहर से लेनी पड़ेगी आफ्टर मार्केट, लेकिन मीडिया मोड होता है, लाइक माइक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है यार। तो ये जो कि थर्ड थिंग है ये माइक, भाई ये मोनो का माइक है, ये मैंने अराउंड 300-350 का लिया था जब मैंने ये अपना सेटअप मंगवाया था उसी टाइम, तो यार बहुत सही रेट में मुझे मिल गया था, और ये बहुत अच्छा माइक है यार, लाइक एज अ बिगिनर आप लोग चेक सकते हो, आपको माइक की क्वालिटी दिखाता हूँ एक बार, लाइक एज अ बिगिनर आप लोग इस माइक को यूज़ कर सकते हो यार, आग बंद करके बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इस माइक की। बाकी यार देखो इससे अच्छे अच्छे माइक भी आते हैं, लाइक बिगिनर हो तो ये बेस्ट माइक है, आप आग बंद करके ले सकते हो। बाकी यार सोनी का माइक आता है, बहुत ही अच्छा माइक होता है, उसमें नॉइस कैंसिलेशन वगैरह प्रॉपर होती है, साइड में देखो फोटो आ रही होगी आप लोग वो देख सकते हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट यार वो ना फिर बजट से बाहर हो जाता है हम जैसे लोगों के लिए। सो यार ये बहुत अच्छा माइक है, हम यूज़ कर सकते हैं, देन उसके बाद आप इस पर आ जाओ। सो ये देखो ये चिन माउंट, ये एक्शन प्रो का चिन माउंट है, ये मैंने लिया था, ठीक है। सो यार ये ना मैंने आफ्टर मार्केट लिया था, लाइक मैंने जब कैमरा था मैंने उसी शॉप से ही लिया था, ये मुझे अराउंड 200 या 220 का पड़ा था, ठीक है कॉस्टिंग, और इसकी अमेजोन या फ्लिपकार्ट आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर चेक करोगे ना
तो आपको इसकी कॉस्टिंग आएगी मेरे हिसाब से 300-350 रुपये की, आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी मैं आपको ना हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ना कुछ भी सामान लेते हो ना, कुछ भी आइटम लेते हो, चाहे हेलमेट लेते हो, गोप्रो लेते हो, मीडिया मोड लाइक एक्सटेंडर माइक या कुछ भी लाइक व्हाटएवर, आप लोग एक ऑफलाइन ट्राई कर सकते हो। बिकॉज ऑफलाइन में क्या आपको मिलता है, लाइक हमें ना रेट ना, मैंने जो हम नोटिस किया भाई, रेट सस्ते मिलते हैं ऑफलाइन में। लाइक ये गोप्रो जब मैंने लिया था उस टाइम पे, ये गोप्रो था अमेजोन पे आपका 52 or 51,000 के अराउंड, ये मुझे उस टाइम पे 45 का पड़ा था गोप्रो। ये था उस टाइम पे आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट 8200 का, ये मुझे 7000 का एग्जैक्ट पड़ा था। चांदनी चौक मार्केट से लिया था मैंने ये 10,000 सामान, कैमरा मार्केट से, ठीक है। ये एक्शन प्रो का चेन माउंट भाई, ये आप चेक करो अमेजोन पे अराउंड 350-350 or 400 का है। ये मैंने 220 का करोल बाग से लिया था, चोपड़ा ऑटोमोबाइल से, आप लोग जानते हो शायद, ठीक है। और भाई ये माइक तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, 350 or 320 का था जो भी था। तो भाई फटाफट सब सेटअप अपना तैयार करते हैं, आपको दिखाते हैं हर एक चीज़। तो पहले मैं आपको अपना गोप्रो दिखाता हूँ। सो ये अपना गोप्रो हीरो 11, इसकी बैटरी, सैंडिक्स का मेमोरी कार्ड जो कि 128 GB का, जो कि गोप्रो का है, ठीक है भाई। कैमरे का अलग होता है हमेशा मेमोरी कार्ड, और फ़ोन का अलग होता है। इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि आप फ़ोन का लगा दोगे तो काम चल जाएगा भाई, वो फिर बहुत स्लो कर देगा आपका कैमरा। सो भाई जो कैमरे का है आपका गोप्रो का, वो गोप्रो में ही यूज़ करना है, ठीक है। सो भाई इसको मैं साइड रख देता हूँ। तो आपने करना क्या है, लाइक ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ढक्कन सा है, ठीक है, कैप, इसको ऐसे नीचे खींचना है, ये खुल गया, देन यहाँ से हटा देंगे हम इसको। सो भाई इसका भी कोई काम है नहीं फिलहाल, सो भाई इसको हम रख देते हैं। और ये बेसिकली भाई वाटर प्रूफ, जब हमें अपने हेलमेट गोप्रो बनाना तो हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमने बैटरी डाल दिया, ये मेमोरी कार्ड हम यहाँ पर देखो, ये जो स्लॉट है हम यहाँ मेमोरी कार्ड डाल देंगे। सो भाई गोप्रो अपना तैयार है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना मीडिया मोड। लेकिन आप लोग यूलांजी का केस भी यूज़ कर सकते हो, यूलांजी का केस आपको इससे अराउंड 200-250 सस्ता पड़ेगा। बट ना मैं बताता हूँ आपको मैंने क्यों नहीं लिया, ठीक है। मैं चाहता मैं वो भी ले सकता था, बट मैंने वो क्यों नहीं लिया मैं बताता हूँ आपको। लगे इसमें ना आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, लेकिन हम इसमें अगर गोप्रो 10, 11 or 12 यूज़ करेंगे तो यार वो दिखता है, हम इसमें 9 यूज़ करेंगे ना तो वो भी दिखता है, लाइक कौन सा गोप्रो हमारा दिखता है बेसिकली, ठीक है। और थोड़ा ना दिखने में भी यार अच्छा सा लगता है, लाइक थोड़ा फैंसी टाइप का। बट अगर आप यूलांजी केस में यूज़ करोगे, आप लोग फोटो देखना साइड में फोटो भी आ रही होगी, या उसमें ना लाइक आपका कौन सा गोप्रो 10 है, कौन सा 9 है, कौन सा 11, 12, भाई कुछ नहीं दिखता, बस इतना पता है कि हाँ भाई गोप्रो है। और मेरे हिसाब से वो ना आपके जो लाइक मोटा व्लॉगिंग सेट है, बस थोड़ा ज़्यादा बल्कि कर देता है, बहुत बड़ा साइज़ कर देता है, ठीक है। सो मैंने इसलिए उसको प्रेफर नहीं किया। बाकी आप वो भी कर सकते हो, आप लोग आपका बजट नहीं है, आप वो भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। बट मैंने तो बल्कि की वजह से मैंने उसको प्रेफर नहीं किया, ठीक है। ये थोड़ा लाइक ट्रेंडिंग में है, या मैंने ये लाइक बहुत से अपने फेमस इंडिया के मोटर व्लॉगर को मैंने यही यूज़ कर लिखा, तो मैंने इसलिए यही यूज़ किया, ठीक है। सो इसकी कॉस्टिंग 7000 की आई थी चांदनी चौक मार्केट से। और ये लोग आप देख सकते हो, ये अपना मीडिया मोड, ये हम इसमें लगा सकते हैं चाहे तो ब्लॉगिंग करते टाइम, अदरवाइज आप नॉर्मल भी रख सकते हो उसको, ठीक है। सो मैं तो बस इसको हटा के रखता हूँ बेसिकली। सो बेसिकली आपको करना क्या, आपको यहाँ से ये खोलना है, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे बटन है, एक शटर बटन, लेकिन इसको भी सेम ऐसे नीचे पुश करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसके बाद आपको अपना गोप्रो देख सकते हो आप लोग, आपको सेटअप करना है, यहाँ पे देखो चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है। सो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये देख सकते हो हमने अपना सेटअप कर दिया, और ये लॉक। अब गोप्रो ऑन करना है, अपना स्विच ऑन कर दो पावर ऑन का, गोप्रो हमने सेटअप कर दिया। अब मैं आपको फटाफट से माइक का सेटअप करके दिखाता हूँ, लेकिन आपको माइक कैसे सेटअप करना है अपने हेलमेट के अंदर। तो भाई सिंपली देखो माइक यहाँ से आता है, इसमें आपको ये मिलेगा TRS कनेक्टर। सो भाई ये लगाना ज़रूरी है, ठीक है भाई, भूलना मत, इसको बिना लगाए आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। और भाई इसको लगाने के बाद इसमें एक और काम कर देना कि ब्लैक टेप आती है, ठीक है, वो आप लोग लगा देना। मैंने वो लगा रखा था, वो मैंने वीडियो के चक्कर में हटाया यार, और मैंने निकाल दिया, और भाई पता चला भी ब्लैक टेप खत्म है घर में, तो भाई मैं शाम को लगा लूँगा उसे, ठीक है। सो भाई ब्लैक टेप लगा देना, इससे होगा क्या, कोई डस्ट वस्ट नहीं आता अंदर, इसकी लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाती है, और ये कभी खोता भी नहीं है, निकलता नहीं है, लाइक अदरवाइज ऐसे ही निकल सकता है, खो सकता है। तो भाई मैंने तो वैसे दो बैकअप रखा हुआ है, बट आप लोग भी रख सकते हो, आप ये टेप भाई यूज़ करना, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए और आपकी क्वालिटी के लिए भी। सो मैं आप करता क्या हूँ, देखो ये जो माइक है मैं इसको ना फोल्ड कर लेता हूँ, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ। सो आप लोग ना लाइक ऐसे इसको लाइक टैग लगा सकते हो, लेकिन आप लोग इसको ऐसे तय लगा सकते हो। तो करना क्या है आपको, मैं जो करता हूँ हमेशा, मैं यहाँ पे रबर बैंड लगा देता हूँ, लेकिन इससे होता क्या है, ये सारी तार ना बिखरती नहीं, सारी तार ना एक जगह फिक्स रहती है, लेकिन कभी आपको ये निकालना हो तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो देख सकते हैं आप लोग, लेकिन हमारा माइक तैयार है, ठीक है, लेकिन जो हमारी इसमें एक्स्ट्रा वायर है मैंने ये सारा इसमें बांध दिया,
सो आपको कहना कि आपको हेलमेट लेना है अपना, जो भी आपका हेलमेट है। लाइक एक तो आप इसकी पूरी पैडिंग खोल सकते हो, देन आप कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको पूरी बिछानी हो तो। बट मैं क्या करता हूँ, मैं ना सिर्फ अपना ये वाला पोर्शन जो है इसको खोलता हूँ, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। देन खोलने के बाद मैं यहाँ अपना माइक की पूरी प्रॉपर वायर रख देता हूँ। लाइक थोड़ा बहुत लगाने में दिक्कत आती है, बट जब लग जाता है ना फिर ये फिक्स हो जाता है, फिर दिक्कत नहीं आती। देन ये करने के बाद ना आपको उसको ऐसे दबा देना है, ठीक है। अब माइक को आपको देखो ट्राई करना कि माइक को ना आप लोग यहाँ सेटअप करो माइक का, बिकॉज अगर आप यहाँ कर दोगे ना, लाइक सामने देख सकते हो आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे सेटअप कर दोगे ना तो इसमें आपकी जो नाक, जो आपकी सांस की आवाज़ होती है आपकी वो आएगी। सो बेस्ट है कि आप लोग यहाँ पे अपना माइक सेटअप कर दो, लेकिन इसमें बहुत अच्छी आवाज़ आती है मैं आपको। देन ये सेटअप होने के बाद ना आप इसको यहाँ से लाइक पैडिंग आप लॉक कर दो, तो आप लोग देख सकते हो लाइक मैंने अपना सेटअप बना लिया, ठीक है। लाइक जो भी एक्स्ट्रा जो वायर था ये मैंने सारे अंदर घुसा दिया इसके। सो आपको यार जैसा सूटेबल आप लोग वैसे कर सकते हो, लाइक प्रॉपर पैडिंग खोल के भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। तो भाई मैं ना ऐसे करता हूँ, लाइक ये बहुत इजी होता है मेरे लिए हमेशा निकालना और लगाना भी, इससे टाइम बहुत बचता है, ठीक है। सो ये देख सकते हो मैंने माइक का यहाँ सेटअप कर दिया और ये अपना कनेक्टर। सो अब इसके बाद अब यहाँ पे आता है, ये देख सकते हो आप लोग। सो आप इसको हमें करना क्या, हमें इसको यहाँ ऐसे लगा के यहाँ पे हुक कर देना है, ठीक है, ये ऐसे कर देना है। और मैं आपको ना एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, लाइक इससे एक अच्छा भी आता है, बट वो भी ना अलग सेम यही होता है स्ट्रैप वाला। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, लाइक आप स्ट्रैप वाला ना यूज़ करके ना आप एक देखो, लाइक मुझे एक्जैक्ट ब्रांड नहीं पता, लाइक ब्लूम आर्मर या किसका आता है जो कि यहाँ चिपकाने वाला होता है, आप लोग वो यूज़ कर सकते हो, जो कि बेसिकली जी एस पाजी वगैरह यूज़ करते हैं, मैंने देखा उनको, ठीक है, यूज़ करते हुए। सो उसकी क्वालिटी भाई बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन उससे पता क्या फ़ायदा होगा, आपको जो वाइजर है वो प्रॉपर ऐसे बंद हो जाएगा। अदरवाइज इसमें क्या होता है, इसमें आपका वाइजर ऐसा खुला जाता है, लाइक जिसमें ना आपकी बाहर की विंड नॉइस आती है, इवन जब आप फॉग में चलाते हो तो फॉग वगैरह भी जमती है अंदर। सो ये प्रॉब्लम है इसमें, बाकी है तो बहुत अच्छा, लाइक बहुत ही अच्छा है, कॉम्पैक्ट सा है, जब मनो आप लगाओ जब मनो आप हटाओ, सबका हेलमेट डिज़ाइन ख़राब नहीं होता। बट उसमें क्या डिज़ाइन में दिक्कत आती है, लाइक वो ना परमानेंट आपका फिक्स हो जाएगा, देन जब आप उसको निकालोगे तो शायद आपका स्टिकर भी निकल सकता है, आपका हेलमेट का कलर वगैरह कुछ भी पेंट कुछ भी निकल सकता है। तो यार मैं तो यार उसी को वैसे प्रेफर करना चाहूँगा, लेकिन वो बेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, उसमें आपको लाइक ये प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन इसमें क्या ये प्रॉब्लम होती है मैं आपको दिखाऊँगा अभी लगा के, ठीक है। और जब मैंने यहाँ ये लिया था तो मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं, तो इसलिए मैंने वो लगाया नहीं। बाकी आप लोग देख सकते हो भाई, आपको जो सही लगा आप वो लो। ये भी आपको अराउंड 250 की कॉस्टिंग का आएगा अमेजोन फ्लिपकार्ट से, वो भी आपको 250 की कॉस्टिंग का आएगा, तो आपको जो मन हो आप वो ले सकते हो। सो भाई फटाफट से मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ। और मैं आपको चीज़ और बोलने चाहूँगा, लेकिन आपको कोई सा भी हेलमेट हो, एक्जॉय हो, एमटी हो, कोई सा भी ब्रांड का हेलमेट हो, ठीक है, स्टार्ट हो, एसएमके हो, सो आपको ना करना क्या, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। लेकिन यहाँ पे देखो एक वो होता है कवर टाइप का हमारे चिन के नीचे, लेकिन जिससे हमारी हवा ना जाए या धूल मिट्टी ना जाए, जो भी हो उसका रीज़न। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखो कट लगा मार दिया, ये देखो आप। अदरवाइज लोग करते क्या, यहाँ से अपना लगाते हैं माउंट, देन यहाँ से टाइट कर देते, ये ना से दब जाता है। तो यार ये बहुत बेकार चीज़ होती है यार, लेकिन पूरा यहाँ पे फिर धूल मिट्टी घुसती रहती है। तो ये ना करके आप लोग ये कर सकते हो, लाइक देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे दोनों मैंने कट मार दिए ब्लेड से, कट मारने के बाद यहाँ से स्ट्रैप निकल जाती है और ये टाइट कर देते हैं, ठीक है। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ फटाफट से। तो उसके बाद जो मैं आपको कह रहा था वो ये है, ये देख सकते हो, ये देखो, लाइक इससे ना हमारी स्ट्रैप भी सही रहती है और ये हमारा हेलमेट ख़राब भी नहीं होता। यही कह रहा था अभी आप लोगों से, लेकिन इससे ना ये ऐसे दबेगा नहीं, अदरवाइज होता क्या लोग लगाते हैं ऐसा, ये ऐसे दब जाता है। तो ये अपने को बेनिफिट है क्या, ये कट करने के बाद ना हम ऐसा ही इसको यूज़ कर सकते हैं। सो देख सकते हो आप लोग, लेकिन मैंने ये सेट कर दिया, ठीक है पूरा, लेकिन ये देख सकते हो कितना हार्ड हो गया है, ठीक है। ये मैंने देखो इसमें पकड़ रखा है हेलमेट को पूरा, इसमें ये आप लोग देख सकते हो। तो ये देखो, बाकी जो इसके एक्स्ट्रा जो लेयर बच गई, जो स्ट्रैप बच गया, इसको आप अंदर घुसा दो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये लटकता नहीं है और तो अच्छा भी लगता है। देन अब बारी आती है गोप्रो लगाने की, ठीक है। तो गोप्रो लगा के दिखाता हूँ, अगर वीडियो ना पूरी देखना है, अगर आप नए हो आपको कुछ नहीं पता तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी। बाकी देखो अगर आपको भाई पता है सारी चीज़ें तो आप ना ही देखो तो ही अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा पता है तो आप टाइम वेस्ट ना करो अपना। और ये देखो यार भाई, जब भी आप अपना ये सेटअप बनाओ ना लाइक मीडियम मोड के साथ, आपको भाई इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिकॉज भाई विदाउट मीडियम मोड आपका जो गोप्रो है वो एक्सटेंड नहीं होता, और इसमें आपका जो माइक है वो फिर लगता नहीं है। लाइक बेसिकली मैं बताऊँ आपको, लेकिन अगर अपना माइक का गोप्रो आप ऐसे लगा दोगे ना सीधा इसके ऊपर, ठीक है, और फिर आप ये लगाने जाओगे तो ये ना भाई लगेगा नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अब आप, ये देखो
यहाँ पे लाइक ये आता है ठीक है। तो भाई ये लगेगा नहीं, तो आपको भाई एक्सटेंडर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप यूलानजी की इसके यूज़ करते हो तो आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी ठीक है। बाकी आप चाहो तो उसमें भी लगा सकते हो, लेकिन इससे होता है क्या, आपको व्यू मिल जाता है दिखता है कि आपको व्यू कैसा मिल रहा है आपके कैमरे का। अदरवाइज़ भाई देखो ये जो मीडियम मोड के साथ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, आपको करना है ऐसे मीडियम मोड में इसके साथ यूज़। तो भाई आप सोनी का ही माइक यूज़ करना, वही होगा बिकॉज वो छोटा सा होता है, वो फिर कनेक्ट हो जाएगा ईजिली, बट इससे भी व्यू नहीं मिल पाता आपको ठीक है। सो मैं चाह रही हूँ दो चाहिए होंगे, ये दो तीन बस ये चाहिए होगा। तो मैं इसको फटाफट से लगाता हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो आप लोगों ने एक मैंने ये भी लगा लिया ठीक है, ये भाई एक्शन प्रो का है भाई, ट्राई करें कि एक्शन प्रो का ही लो आप लोग भी, बिकॉज जो एक्शन प्रो की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती प्लास्टिक की। मैंने पहले भी यूज़ किया लाइक दो बार लोकल वाले, सो भाई वो ना मेरा महीने भाई भी वो टूट गया दोनों ही ठीक। बाकी आपका बजट भाई अच्छा है आप इसमें ले सकते हो, मेटल वाला भी आता है ठीक है, एलुमिनियम वाला भाई वो आपका 900-950 रुपये आएगा, बट क्या है वो भाई वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो आपको कहीं नहीं भागना भाई, वो परमानेंट आपका जुगाड़ हो जाएगा, परमानेंट का हिसाब किताब हो जाएगा। बट ये कि ये भी शायद से कुछ टाइम टूट सकता है बिकॉज प्लास्टिक है यार, प्लास्टिक कब तक यूज़ करेंगे, टूटेगा एक ना एक दिन। तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजट अच्छा हो तो आप, बजट अच्छा हो तो वो ले सकते हो। बाकी तो यार मेरा इसमें सही काम चल रहा है, देन सिंपल सा यहाँ से निकाल देंगे हम गोप्रो के इसको हुक को, और यहाँ से हम सेटअप अपना तैयार कर देंगे। तो भाई देख सकते हो आप लोग एक सेटअप अपना पूरा तैयार है ठीक है, माइक भी तैयार है, और भाई टेप लगा लेना यहाँ से ठीक है, मैं टेप लगा लूँगा अभी शाम को, ये मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। और बाकी देख सकते हो यार कितना प्यारा सेटअप लग रहा है अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप, देखो कितना प्यारा लग रहा है गोप्रो हीरो 11 के साथ ठीक है। बाकी देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा स्टेबल हो गया ठीक है, ये देखो आप बिल्कुल एक फिक्स हो गया एक तरीके से, ये देखो आप ठीक है। जो मैं आपको कह रहा था लेकिन जो इसका ड्रॉबैक जो है ना इसका ये देखो यहाँ पे आपको दिख रही है थोड़ा सा देखो जगह बच गई है, लेकिन इससे क्या नॉइज जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये एक प्रॉब्लम है। आपका वाइजर प्रॉपर बंद नहीं होता, बट जो दूसरे वाला भाई उसमें प्रॉपर बंद होता है, मैं वो भी मंगवाऊंगा ठीक है, उसका भी रिव्यू करूँगा आप लोगों के लिए, प्लस एक गिवअवे भी रखूँगा उसका आप लोगों के लिए। फटाफट अपना सेटअप लगाता हूँ आपको दिखाते हैं अपने। तो भाई ये अपना कुछ सेटअप है देख सकते हो आप लोग ठीक है, ये सेटअप है, ये मैं अपने फ़ोन की फ्रंट स्क्रीन से रिकॉर्ड करो कैमरे से, ये देखो आप लोग ठीक है। सो भाई सेटअप मैंने अपना लगा लिया ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग मेरी जान को, अगर आपने नहीं देखा तो भाई देख लो, बाकी तो भाई ऑलमोस्ट लोग जानते होंगे। सो अपनी जान भाई कुछ ऐसी है फिलहाल, तो भाई चलते हैं फटाफट से आपको लेकिन इसकी आवाज़ चेक करवाते हैं लेकिन कैसी आवाज़ है। जय माता दी। तो फिर देख सकते हो आप लोग एक्सटेंडर लगाने से हमें ये फ़ायदा मिलता है लाइक जो व्यू है कैसा व्यू मिल रहा है हम वो चेक कर सकते हैं। और यार विदाउट एक्सटेंडर यार वो चीज़ ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है लेकिन चेक करना बहुत मुश्किल होता है ठीक है, फिर तो लेकिन अंदाजा हो गया या करते करते आपको आदत हो गई फिर तो उसी पर बात होती है। और लेकिन हम इस हिसाब से अपना हेलमेट पहन सकते हैं ठीक है, या अपने कैमरे को एडजस्ट कर सकते हैं एक्सटेंडर के फ़ायदे से। बाकी चलते हैं कि खुले रोड में ठीक है, आपको वहाँ पर लेकिन थोड़ा 50-60 या हो सके 100 तक भी आपको लेकर अपना ब्लॉक करके दिखाऊंगा और कैसी स्पीड इतनी स्पीड में आवाज़ कैसे आएगी। और बाकी देखो यार जो मेरी जो मैं बताता हूँ मेरी वीडियो की सेटिंग रहती है वो मोस्टली रहती है 1080-60 FPS पे, लाइक इससे वीडियो आपकी बहुत स्मूथ बनती है यार, और ठीक है यार जो कि और बेसिकली हर फोन सपोर्ट कर लेता है, बाकी थोड़ी और अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो आप कर सकते हो उसको 1080-120 FPS या 240 FPS पे, तो उससे क्या थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेगा थोड़ी बैटरी जल्दी करेगी, बट ये क्वालिटी में फ़र्क होगा आवाज़ चेक कर सकते हो। लेकिन मैं नॉर्मल चलाऊंगा उसको 30-40 जो हम लोग बेसिक एक चलाते हैं नॉर्मल रोड पर ठीक है, बाकी 50-60 आपको उसकी आवाज़ चेक करूँगा, फिर मैं 70-80 और हो सकता 90-100 पे भी आवाज़ चेक करवाऊँगा ठीक है। सुबह पीछे वाले रोड पर जाम था इसलिए मैंने यहाँ से टर्न ले लिया, सो देख सकते हो आप। और मैं बताता हूँ यार देखो जो आप लोग मेरी बेसिकली जो मोटर व्लॉगिंग में आवाज़ सुनते हो ना मैं उसको थोड़ा एडिट भी करता हूँ, लेकिन तो एडिटिंग में सेंस लेकिन मैं उसमें नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर देता हूँ उसका ठीक है, अपने जो सॉफ्टवेयर में बेसिकली यूज़ करता हूँ कैपकट, और मैं उसमें जो आपका जो साउंड है मैं उसको थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, सो वो चीज़ मैं करता हूँ ठीक है। मैं आपको इसमें दोनों सुनाऊँगा लेकिन कितना फ़र्क है नॉर्मल जो एक्चुअल जो भी रॉ जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है, लेकिन एक रॉ साउंड में और एक जो मैं एडिट करके थोड़ा बहुत डालता हूँ लेकिन उसमें कितना फ़र्क है वो भी मैं आपको चेक कराऊँगा।
सो आप लोग चेक करके बताना कि कैसी आवाज़ है, लेकिन आपको भी इससे अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ कि रॉ में हमें ऐसी आवाज़ मिलेगी। और जो थोड़ा बहुत एडिट करते हैं हम लोग, लेकिन उससे ये होती है। और बताऊँ यार, मोस्टली लोग ना थोड़ा बहुत एडिट करके ही डालते हैं, लेकिन अपनी आवाज़ को थोड़ा नीट एंड क्लीन करके। और यार वीडियो ना थोड़ी लंबी हो गई है और शायद थोड़ी और लंबी होगी, बट ये कि आपको ना लाइक मोस्टली आपके जो डाउट्स है मतलब मोटर व्लॉगिंग सेटअप को लेकर, भाई वो आपके क्लियर हो जाएंगे कन्फर्म। बाकी कुछ रह जाए तो भाई मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगा। सो ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है, ये मैंने थोड़ा ना स्पीड अप कर दिया। सो इसमें आप लोग आवाज़ चेक कर सकते हो, लाइक इसमें जो है स्पीड 60 से 70 की स्पीड है, ठीक है। सो आप लोग आवाज़ चेक करो, लाइक कैसी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। और थोड़ा बहुत यार हवा देखो आ रही है, वाइज़र खुला हुआ है ना, मैंने आपको बताया था पहले ही, लाइक वाइज़र की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। अगर वाइज़र प्रॉपर लॉक हो फिर तो बात ही अलग है यार। बाकी यार इसमें तो थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी आपको, विंड नॉइस आएगा, ठीक है। सो ये कुछ आवाज़ है। बाकी अगर मुझे इससे भी तेज़ी स्पीड चाहिए आपको 80-90 में चेक करना है 100 में, तो यार मुझे ना फ्लाई ओवर या कोई खुला रोड देखना पड़ेगा यार। यहाँ पर ना इतनी स्पीड जाएगी नहीं, बिकॉज यार देखो कुछ बेचारे कुत्ते हैं, लोग भी निकलते आते रहते हैं। वो कोशिश करूँगा, अगर हो पाया तो करूँगा, नहीं तो यार कहीं जाना पड़ेगा आप लोगों के लिए तो मुझे, ठीक है। सो ये देखो आप लोगों के लिए कैसी आवाज़ है। सो ये देखो आप लोग, एक बताओ मुझे आप लोग आवाज़ कैसी आ रही है। और यार माइक को जहाँ मैं लगा वहीं पर ट्राई करेंगे माइक लगाओ, वो उससे आवाज़ ना गूंजती नहीं थोड़ी बहुत। सो यहाँ पे थोड़ा मैं थोड़ा बहुत स्पीड अप कर सकता हूँ, ठीक है, 80-90 पे। सो यहाँ मैं आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। बाकी यार दिल्ली का भाई वेदर लिटरली भाई बहुत ठंडा हो गया है भाई, आज 7-8 डिग्री टेम्परेचर है। सो भाई बहुत ठंडा टेम्परेचर है, ठीक है। तो भाई आप लोग आवाज़ चेक करो, आवाज़ कैसे आ रही है। बाकी यार इतने स्पीड में लाइक हम जैसे देखो स्कूटर बाइक वाले तो यार कम ही करते हैं भाई, मोटर व्लॉग हम नॉर्मल स्पीड पर करते हैं, 40-50 पे क्रूज करते हैं। ये तो लाइक मैं आपको एक एज अ आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ ये कर सकते हैं हम लोग। सो होप कि आप लोगों को लाइक एक आइडिया मिल ही गया होगा इतने में लाइक कैसी आवाज़ आई है। बट मैं एक और स्पिन मार देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, लाइक एक और स्पिन से क्या अंदाज़ा मिल जाएगा। बाकी स्पीड भी आप लोग चेक करना यार अभी। ये देखो आप लोग लाइक स्पीड कितनी हो रही है, 60 पे है फिलहाल तो अभी। सो आई थिंक यार इनफ स्पीड है यार, 80 की स्पीड को मैं अब इस टाइम, ठीक है। सो यार इतना तो कम ही करता है, बिकॉज इतनी स्पीड में बंदे का फोकस ना सिर्फ रोड पे होता है भगाने पे। सो भाई होप करता हूँ भाई आप लोगों लाइक जो भी आपकी मन में डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बाकी कुछ है मैं फिर से बताऊँ, आप लोग कमेंट वगैरह कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है, कुछ भी डाउट हो आपके मन में। सो ना वीडियो आई थिंक यार इनफ है इतनी वीडियो तो आप लोगों को समझाने के लिए, सेटअप कैसे बनाएंगे हम लोग, लाइक मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है, लाइक साउंड की क्वालिटी कैसी है, हर एक चीज़ आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ठीक है, सुन ही लिया होगा। सो वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है, तो मैं वीडियो को ना अभी एंड करता हूँ, बिकॉज ना देखो टाइम हो गया 4:26। अभी यार थंबनेल बनाना है, देन एडिट करनी वीडियो, तो आज तो शायद मुश्किल होगा। बट हाँ ये है कि मैं कल 30 तारीख है, कल मैं डाल दूंगा इस वीडियो को जहाँ तक है, ठीक है। सो मैं वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, बाकी होप करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। से मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, साइनिंग ऑफ, राइट सेफ, दिस इज सुनील, बाय, टाटा, लव यू भाई, लव यू, बाय। बाकी भाई ध्यान रखना, मिलते हैं बहुत जल्द 1-2 दिन में आप लोगों के साथ एक और नई वीडियो में। बाकी बता देना भाई वीडियो आप लोग कैसी लगी, लाइक थोड़ी बहुत हेल्पफुल हुई नहीं हुई आप लोगों के लिए, कुछ हेल्प हुआ नहीं हुआ आप लोगों को, ठीक है। चलो जी, बाय, टाटा, बाय बाय, लव यू, लव यू, बाय बाय बाय।